वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन ऑफ साइंस। जी हाँ, तो क्वेश्चन ऑफ साइंस, और ये जो है सीरीज नंबर, जी हाँ, तो सीरीज नंबर 2 है। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन ऑफ साइंस का सीरीज नंबर 2 है, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो VVI क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे नियर बाय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे वो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर देंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए, जी हाँ, तो इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जी हाँ, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है हमारा साइंस का सीरीज नंबर 2 है। जी हाँ, तो सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जी हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है प्रकाश रेडियो तरंग। जी हाँ, तो प्रकाश रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। जी हाँ, तो प्रकाश रेडियो तरंगे तथा एक्स तरंगे, ये सारे के सारे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? जी हाँ, तो निमोनिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन है? तो फेफड़ा है। जी हाँ, तो निमोनिया में जो है आपको सर्दी हो जाती है। जी हाँ, तो सर्दी हो जाती है, और इससे प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है वनस्पतियों में जीवन होता है। जी हाँ, तो वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? जी हाँ, तो वनस्पति में जो जीवन होता है इसका शोध किसने किया था? तो जेसी बोस ने। जी हाँ, तो जेसी बोस ने जो है इसका शोध किया था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अनुवांशिकता। जी हाँ, तो अनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो अनुवांशिकता का जो अध्ययन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जेनेटिक्स। जी हाँ, तो जेनेटिक्स के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? जी हाँ, तो 60% तक जो है वो पानी में, दूध, गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है। हमारा अगला प्रश्न है पीत का श्राप। जी हाँ, तो पीत का श्राप जो है किसके द्वारा होता है? तो पीत का श्राप जो है यकृत के द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, पीत का श्राप जो होता है वो यकृत के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? जी हाँ, तो पायरोमीटर का प्रयोग किसे मापने में होता है? तो उच्च ताप को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है खसरा की बीमारी। जी हाँ, तो खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? जी हाँ, तो खसरा की बीमारी जो है मुख्यतः किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। जी हाँ, तो जीवाणु के कारण जो है खसरा की बीमारी होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जनक कौन थे? जी हाँ, तो कंप्यूटर के जो जनक थे वो कौन थे? तो चार्ल्स बैबेज। जी हाँ, तो चार्ल्स बैबेज जो थे वो कंप्यूटर के जनक थे। हमारा अगला प्रश्न है वायु के, जी हाँ, तो वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? जी हाँ, तो जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? तो विशिष्ट आर्द्रता। जी हाँ, तो वायु में जब जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, जी हाँ, तो जल वाष्प की मात्रा जो है अधिक होती है तो अधिक आर्द्रता होती है, और कम होती है, जी हाँ, तो अगर वायु में जल वाष्प की मात्रा अगर कम होगी तो कम आर्द्रता होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है एथलीट फूट नामक बीमारी किसके कारण होता है? जी हाँ, तो एथलीट फूट नामक बीमारी जो है वो फंगस के कारण होता है। जी हाँ, तो फंगस के कारण एथलीट फूट नामक बीमारी होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है? जी हाँ, तो नेत्रदान में कौन सा हिस्सा जो है प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया। यानी कि नेत्रदान में जो दान करने वाला होता है वो अपने आंख का कॉर्निया, जी हाँ, तो कॉर्निया सिर्फ दान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है AP। जी हाँ, तो AP5। जी हाँ, तो AP5 वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित रहते हैं। जी हाँ, तो ये दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित रहते हैं, इसे एपीफाइट भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है, जी हाँ, तो राइट आंसर है यांत्रिक अवलंबन के लिए। जी हाँ, तो यांत्रिक अवलंबन अवलंबन के लिए जो है ये
इस पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहा जा रहा है जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो क्या बढ़ जाता है, तो संवेग भी दुगना हो जाता है। यानी कि जब किसी पिंड का वेग दुगना कर देंगे तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है लोहा अधिकांशता प्राप्त किया जाता है, तो लोहा अधिकांशता जो है किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, तो किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो हेमाटाइट। जो तो हेमाटाइट से जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला है चिल्ली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चिल्ली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र जो है NaNO3। जी हाँ, तो NaNO3 जो है चिल्ली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है। जी हाँ, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन है। जी हाँ, तो नाइट्रोजन है जो लगभग 70% के आसपास। लेकिन कहेगा पृथ्वी के भूपरपट्टी, जी हाँ, तो भूपरपट्टी पर सबसे अधिक, जी हाँ, तो सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, तो ऑक्सीजन जो कि O2 के फॉर्मेशन में रहता है। हमारा अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। जी हाँ, तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन होता है। अगला प्रश्न है भ्रूण को, जी हाँ, तो भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो भ्रूण को भोजन जो है वो गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। जी हाँ, तो गर्भनाल के द्वारा जो है भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है NaOH है। जी हाँ, तो NaOH जो है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लक्स किसकी इकाई है, जी हाँ, तो लक्स जो है वो किसकी इकाई है, तो लक्स जो है प्रतिदीप्त का स्तर। जी हाँ, तो प्रतिदीप्त का जो है स्तर जो होता है उसकी इकाई लक्स है। हमारा अगला प्रश्न है लार होता है, यानी कि लाल लार की जो प्रकृति होती है, जी हाँ, तो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो लार की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। जी हाँ, तो लार जो है अम्लीय होता है। अगला प्रश्न जो है एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, जी हाँ, तो एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26, जी हाँ, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी कि एक पार्सेक में, यानी कि 1 P इज इक्वल टू 3.26 लाइट एयर होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सबसे ज्यादा किसका उपग्रह है, जी हाँ, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, तो बृहस्पति का। जी हाँ, तो बृहस्पति का सबसे ज्यादा उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है एक हॉर्स पावर का मान क्या होता है, तो एक हॉर्स पावर में जो है 746 वाट होता है। जी हाँ, तो 746 वाट जो है एक हॉर्स पावर में होता है। कहा जा रहा है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। जी हाँ, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और कोशिका का पावर हाउस, जी हाँ, तो कोशिका का पावर हाउस के अगर बारे में बोला जाए, तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है, पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जी हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी और बृहस्पति के बीच जो है हमारा मंगल ग्रह है। अगला प्रश्न जो है निकोटीन कहाँ पाया जाता है, यानी कि किस में पाया जाता है, तो निकोटीन जो है आपको तंबाकू में पाया जाने वाला एक तत्व है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH4 होता है। जी हाँ, तो CH4 जो है वो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है क्वासियोरकर, जी हाँ, तो क्वासियोरकर बीमारी जो है किसके कारण होती है, तो प्रोटीन की कमी के कारण। जी हाँ, तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है क्वासियोरकर बीमारी होती है। अगला प्रश्न है निमोनिया किसके कारण होता है, तो निमोनिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। जी हाँ, तो निमोनिया रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, और क्वासियोरकर बीमारी जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु कौन सा है, जी हाँ, तो सबसे कठोर धातु कौन सा है, प्लेटिनम। जी हाँ, तो सबसे कठोर धातु बोला जाए तो प्लेटिनम, लेकिन तत्व अगर बोला जाए, जी हाँ, तो सबसे कठोर तत्व अगर बोला जाए या फिर पदार्थ बोला जाए, जी हाँ, तो या फिर पदार्थ अगर बोला जाए तो आपको हीरा हो जाएगा। जी हाँ, तो हीरा जो है सबसे
कठोर तत्व होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, यह तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो है वो कैसा है, किसका है, तो हाइड्रोजन का है। यह तो सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन उत्पन्न होता है वो हाइड्रोजन की वजह से उत्पन्न होता है। यह तो अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है, दूध में पानी जी तो दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है तो लैक्टोमीटर के जरिए। जी तो दूध में जो पानी की मिलावट की जाती है उसकी जांच के लिए, जी तो उसकी जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर के जरिए हमें मिल्क, जी तो मिल्क और वाटर का रेशियो का पता चलता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग में, जी तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किरणों की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो मानव शरीर में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो तुरंत से ही यानी कि जल्द से आपको ऊर्जा देता है। जी तो कार्बोहाइड्रेट जल्द से ऊर्जा देता है, और प्रोटीन जो है, जी तो प्रोटीन जो है आपको ऊर्जा धीरे धीरे देता है। जी तो ऊर्जा धीरे धीरे देता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो जेड जॉनसन ने। जी तो जेड जॉनसन ने जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो जल का पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। जी तो साबुन को या फिर डिटर्जेंट को जब जल में घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है, जिसके कारण जो है वो बुलबुले जल के ऊपर आपको दिखाई देने लगते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन जो है वो कार्नवर्ग ने किया था। जी हाँ, तो कार्नवर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन, जी हाँ, तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व जो है वो कौन सा है, तो कैडमियम। जी हाँ, तो कैडमियम जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, रक्त, जी हाँ, तो रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, जी हाँ, तो रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 90%। जी हाँ, तो रक्त प्लाज्मा में 90% जो है वो जल होता है और आपका 10% जो है वो रक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, न्यूट्रॉन की गति, जी हाँ, तो न्यूट्रॉन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो प्रथम नियम। जी हाँ, तो प्रथम नियम जो है वो न्यूटन के गति की जड़त्व की व्याख्या करता है। और जड़त्व का, जी हाँ, तो जड़त्व का नियम किसने दिया था, जड़त्व का नियम जो है गलीलियो ने दिया था। जी हाँ, तो गलीलियो ने जो है वो जड़त्व का नियम दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, जींस को बनाने वाली डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना को किसने प्रतिपादित किया था, तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का जो संरचना है वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जी हाँ, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है यानी कि संरचना जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न जो है, लाल रक्त कण बनता है, तो लाल रक्त कण जो है आपको अस्थि मज्जा में बनता है। जी हाँ, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज जो है वो बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। जी हाँ, तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत तीव्रता का मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। जी हाँ, तो न्यूटन प्रति कूलाम जो है विद्युत तीव्रता का मात्रक है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वाल्ट 60 से, जी हाँ, तो क्वाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती है, तो क्वाल्ट 60 से जो है आपको गामा किरणें निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक अनुवांशिकता के सिद्धांत किसने दिया था, तो आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया था। जी हाँ, तो डार्विन जो है आधुनिक अनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार जो है हेनरी बैकरोल ने किया था। जी, हेनरी बैकरोल ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है, वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। जी, तो क्लोरोफिल के कारण जो है वनस्पतियों का रंग यानी कि पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दिया, ज्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दिया। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को, जी तो
नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों जिन लोगों को PDF डाउनलोड करना है इस वीडियो का तो नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो करके बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई सूचना है या तो अगर कोई सूचना है या फिर सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर सूचना या सुझाव दें ताकि हम अपने वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।